हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले क्लास में हम लोगों ने करंट क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था, और लास्ट में मैंने बताया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी करंट, आई मीन डायरेक्ट करंट। आज हम कुछ करंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ लिखा है, मैं सॉल्व नहीं करूँगा इसको, आप होमवर्क के लिए रखना और आप इसको खुद से ट्राई करना, यदि नहीं आएगा तो फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। इसमें क्या है, अभी देखो क्या है कि यहाँ अभी क्या है कि फिगर क्या दिया हुआ है, फिगर ए में क्या है, कंडक्टिंग रॉड है जिसपे प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है? प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यही है प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और इस ऑल केसेस में आपको क्या करना है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कंसिडर कर लेना है। देखो यहाँ क्या है, चार्ज रॉड है, यहाँ क्या है, चार्ज रिंग है, यहाँ एनुलर डिस्क है, आप डिस्क भी कंसीडर कर सकते हो, एक और न्यूमेरिकल्स हो जाएगा। एनुलर डिस्क है जिसपे चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हर केस में चार्ज हमने क्या माना है, क्यू माना है। और इसको क्या किया है, कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड से, पहले में क्या है डिस्क कंडक्टिंग रॉड को इसके किसी एक लेंथ के अबाउट, किसी वन एंड के अबाउट क्या किया जा रहा है, कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड से रोटेट किया जा रहा है। यहाँ रिंग के एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट किया जा रहा है, यहाँ भी देखोगे एक्सिस के अबाउट क्या है, कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड से क्या है, रोटेट किया जा रहा है। तो हर केस में आपको क्या फाइंड आउट करना है, करंट। क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड, यहाँ मैंने लिखा है फाइंड द करंट एज शोन इन द फिगर बिलो, है ना। तो फिगर फर्स्ट में क्या है, आपका रॉड है, रिंग है, कंडक्टिंग शेल है, और इसमें क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर है, यहाँ क्या दिया हुआ है, एनुलर डिस्क है। तो आप खुद से इसको ट्राई करना, क्योंकि यही क्वेश्चंस क्या है, जब आप मैग्नेटिज्म पढ़ोगे तो जब वहाँ मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ यही क्वेश्चंस आपसे फिर से पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप इसको खुद से ट्राई करना, यदि नहीं आएगा तो आई विल सेंड द सोल्यूशन ऑफ दिस ऑल क्वेश्चंस, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई योर सेल्फ, स्टिल यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, या still you are not getting any answer, then I will send the explanation or send the solution of these questions. आपको क्या करना है, मैं hints देता हूँ आपको। x distance पे dx, यहाँ भी dq element consider कर, current dq charge element consider करो। time period से क्या करो, मैंने बताया था कि whenever there is a circular motion and there is a uniform circular motion, then current will be equal to क्या होगा, charge divided by क्या होगा, time period, मैंने already बताया। तो यहाँ चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो डी क्यू चार्ज कंसीडर कर लेना, है ना। और फिर उसको क्या करोगे, डी क्यू के करस्पॉन्डेंस जो करंट होगा वो डी आई होगा, डी आई करंट लिखो और उसको क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, देन यू विल गेट आंसर इन ईच एंड एवरी केसेस, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे आज, इसके बाद करंट डेंसिटी, क्या पढ़ेंगे हम, करंट डेंसिटी, जैसा कि मैंने बताया था। तो करंट डेंसिटी क्या होता है, यहाँ से भी हम क्या करेंगे, करंट का अलग डेफिनेशन पढ़ेंगे कि करंट इज नथिंग बट द फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी। पहले मैं उसको डिफाइन करूंगा, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं करंट डेंसिटी क्या होता है। करंट डेंसिटी, इसको हम बेसिकली क्या होता है, एक करंट डेंसिटी इज नथिंग बट द वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, मैंने बताया था कि देखो जब भी क्रॉस सेक्शनल एरिया, समझना जरूरी है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया हम वैसे एरिया को बोलते हैं जो करंट फ्लो के परपेंडिकुलर जो एरिया होता है, क्या है कंडक्टर्स का, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। हर समय आपको कोई जरूरी नहीं है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको हमेशा परपेंडिकुलर ही हो, कुछ ऐसे भी होगा तो मुझे वहाँ कंपोनेंट रिजॉल्व करना रहता है, फिर उसे हम देखते हैं। अब देखो क्या है, यहाँ हम क्रॉस सेक्शनल एरिया पहले इसको हम देख लें। तो देखो यहाँ क्या है, फिर हम डिफाइन करेंगे इसको। यही कंडक्टर दिया हुआ है और इधर करंट फ्लो हो रहा है, दिस इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ क्या है, करंट। तो ये वाला जो एरिया होगा, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, आई मीन एरिया ऑफ द, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया।
और क्रॉस सेक्शनल एरिया, अरे दिस इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ, क्या है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ, क्या है करंट, और इसको हम क्या बोलेंगे कंडक्टर। अब यदि इसका एरिया, तो एरिया वेक्टर हम जो यहाँ कंसीडर करेंगे, ठीक है, तो एक तो देखो यहाँ क्या है, एरिया वेक्टर जो है अलविज क्या है, करंट के फ्लो के क्या है परपेंडिकुलर है, क्या है एरिया वेक्टर, क्या है करंट के फ्लो पे क्या है परपेंडिकुलर है। इसका जो डायरेक्शन होगा, देखो क्या होगा, एरिया वेक्टर का जो हम क्रॉस सेक्शनल एरिया वेक्टर का जो हम डायरेक्शन कंसीडर करेंगे वो अलवेज क्या होगा, एरिया पे क्या होगा। तो हम यहां यदि लिखें एरिया क्रॉस सेक्शनल, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, अब देखो क्या होगा, तो एरिया आप क्या होगा इसका, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, तो द वेक्टर क्या है, द वेक्टर whose area is equal to area of cross section of conductor and whose direction is perpendicular to the direction of perpendicular to the क्या है conductor and whose direction is perpendicular to the plane of cross sectional area। तो यदि मैं एरिया वेक्टर लिखूंगा, देखो यहां क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द क्या होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो यहां आप देखोगे कि ये क्या होगा, यही परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड ऑलवेज आउटवर्ड, एंड क्या होगा, एंड ऑलवेज आउटवर्ड, क्या होगा ऑलवेज, क्या होगा आउटवर्ड होगा। यहां देखो, यहां हम यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर करें, देखो एरिया यही क्या होगा एन कैप, इसका यदि मैं एरिया वेक्टर लिखूं तो एरिया वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन इनटू क्या हो जाएगा एन कैप। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, सिंपल याद रखना है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा फ्लो ऑफ करंट, यहां, लेकिन यहां नहीं होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आउटवर्ड एरिया मुझे क्या करना है कंसीडर करना है, ठीक है। तो यहां क्या है, तो ये क्या होगा एरिया वेक्टर, आई मीन क्या होगा यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ठीक है। यहाँ जो करंट डेंसिटी जो डिफाइन किया जाता है, तो पहले ही आपको समझ में आया कि क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, कि द एरिया ऑफ द क्या होगा, द कंपोनेंट ऑफ एरिया ऑफ द क्या होगा कंडक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट, ये आपको समझना है, क्योंकि बाद में हम देखेंगे कि एक ऐसा केस भी होगा कि एरिया परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो यहाँ हम क्या डिफाइन करेंगे, तो देखो यहाँ से अब हम डिफाइन कर सकते हैं कि करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट क्या होगा, करंट डेंसिटी यहां अब हम डिफाइन करेंगे जे वेक्टर, करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट टू द कंडक्टर is equal to ratio, क्या होगा current density at any point to the conductor is equal to
करेंट फ्लोइंग फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एट दैट पॉइंट. समझ में आया क्या कि करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट टू द कंडक्टर इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एट दैट पॉइंट. ठीक है, तो यदि मैं मान लूं कि इफ आई कंसीडर कि आई इज नथिंग बट द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, है ना, क्या है, इफ आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एंड आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज ए, देन क्या लिख सकता है कि इफ आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द क्या होगा थ्रू द कंडक्टर एंड ए इज इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया एट एनी पॉइंट देन करंट डेंसिटी एट दैट पॉइंट या एट दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया एट दैट पॉइंट इज गिवन एज. देखो तो क्या होगा, जे इज यहाँ लिख लेना मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी, है ना, क्या होगा यहाँ, क्या है करंट डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी हम बोल सकते हैं, यहाँ आप ऐड कर लेना मैग्नीट्यूड, नहीं तो आप बोलोगे सर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी, ये ऐड कर लेना, है ना, तो द करंट डेंसिटी आई मीन क्या होगा, यहाँ भी आप ऐड कर लेना, है ना, यहाँ भी क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी ठीक है, तो J इक्वल टू क्या होगा I करंट अपॉन क्या होगा एरिया, तो ये क्या होगा I अपॉन क्या हो जाएगा आई मीन करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी, नॉट करंट डेंसिटी, बिकॉज करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इफ यू राइट लाइक दिस देन करंट इज अ स्केलर एरिया इज ऑल्सो ए स्केलर देन स्केलर अपॉन स्केलर विल बी इक्वल टू क्या होगा वेक्टर. ठीक है, लेकिन यहाँ देखो क्या है, करंट जो है क्या है स्केलर क्वांटिटी है, एरिया हम वेक्टर मानते हैं लेकिन वेक्टर का डिवीजन पॉसिबल नहीं है तो हमने मैग्नीट्यूड लिया है, स्टिल करंट डेंसिटी क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी है. तो सिंपल क्या होगा कि करंट डेंसिटी हम लिख सकते हैं, कुछ यदि इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखें, यहाँ क्या है कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या था यूनिफॉर्म था, तो अब यहाँ देखो हम बोल सकते हैं कि करंट डेंसिटी क्या है, करंट डेंसिटी इज एक क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट क्या है इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, ऑलवेज क्या है याद रखना है कि द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी is always in the direction of flow of current or ऐसे ही बोल सकते or in the direction of electric field inside the conductor. आप याद रखना कि मैंने बताया था कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जीरो होता है, लेकिन
जब व्हेन एवर वी कनेक्ट कंडक्टर विथ बैटरी, आई मीन जब भी क्या होगा, व्हेन एवर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द क्या होगा कंडक्टर, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल नेवर बी जीरो. यदि ऐसा जीरो हो जाएगा तो फिर उसके अंदर क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा. ये आपको ध्यान देना है. तो हम बोल सकते हैं यहाँ कि क्या होगा, जे वेक्टर इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर. पहला पॉइंट ये है. दूसरा पॉइंट क्या है कि करंट डेंसिटी का जो क्या होगा यूनिट होगा, क्या होगा यूनिट, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज क्या होगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. और ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ई अब ऐसे भी लिख सकते हैं. तो क्या होगा, ऐसा यूनिट क्या होगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. क्या होगा एम्पियर पर मीटर. इसके बाद हम लिख सकते हैं इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ, अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं क्या, डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन ऑफ करंट डेंसिटी तो देखो जे का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा करंट का डायमेंशन होगा, आई का डायमेंशन अपॉन क्या होगा ए का डायमेंशन. ए यहाँ हमने क्या माना है एरिया, तो इसका ए, तो इसका डायमेंशन यदि लिखे हैं तो एम रेज टू जीरो एल रेज टू माइनस टू ए टी रेज टू क्या होगा जीरो. दिस इज नथिंग बट द क्या होगा डायमेंशन. ठीक है, तो करंट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ऑलवेज मैग्नीट्यूड ऑफ द क्या होगा करंट, क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट डेंसिटी एट एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया और एट एनी पॉइंट टू द क्या होगा कंडक्टर. उसके बाद देखो अभी हमने क्या कंसीडर किया था, मैंने ये बताया था. अब आप सोचो कि ऐसे क्या है कंडक्टर, और एरिया ऐसे दिया हुआ है, आई मीन ऐसे इन द सेंस क्या है ये थीटा मान लो है ना, और ये वाला एरिया. अब यहां मुझे क्या करना है करंट डेंसिटी, इसका एरिया क्या दिया हुआ है ये दिया हुआ है. ठीक है, यहां करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है. अगेन मैंने बताया था कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, अब देखो ये क्या है, यदि मुझे यहाँ करंट डेंसिटी डिफाइन करना हो कहाँ पी पॉइंट पे, तो वहाँ हम क्या लिखेंगे कि पी पॉइंट पे यदि मुझे करंट डेंसिटी डिफाइन करना हो तो करंट अपॉन क्या होगा क्रॉस सेक्शनल. अब देखो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं है, आप ध्यान से देखोगे यदि यही क्या होगा, दिस इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा करंट डेंसिटी. यहाँ कोई पूछे कि करंट डेंसिटी का डायरेक्शन क्या है तो मैंने बताया था कि डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी देखो इधर ही क्या है, यहाँ जे का भी डायरेक्शन है, इधर ही क्या है ई का भी डायरेक्शन है, और आई ऑब्वियसली क्या है इधर फ्लो हो रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ आई इज ऑल्सो. ठीक है, ये ध्यान देना. तो यही क्या हो गया आपका जे वेक्टर का डायरेक्शन हो गया. और थोड़े टाइम पहले मैंने बताया था कि ये क्या होगा, आई मीन क्रॉस सेक्शनल एरिया, आई मीन एरिया पे क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो यही इसका क्या होगा यदि मैं एन कैप लिखूं. तो आप यहाँ ये भी देख सकते हो कि ध्यान से कि ये एंगल थीटा होगा, सॉरी ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा थीटा हो जाएगा. यदि थीटा जीरो तो इनके और इनके बीच एंगल क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा. तो अब यदि मुझे आप पी क्यू क्रॉस सेक्शन पे यदि कंसीडर करो कि करंट डेंसिटी एट क्या होगा क्रॉस सेक्शनल पी क्यू, आई मीन हम लिख सकते हैं, तो हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं करंट डेंसिटी एट. अब देखो यहाँ एरिया के दो कंपोनेंट होंगे, एक वाला ये कंपोनेंट होगा, तो मुझे ये वाला कंपोनेंट कंसीडर कर रहा है क्योंकि यही क्या होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया. हमेशा जो एरिया होगा कोई जरूरी नहीं है कि यदि ये दिया हुआ होता तो ऑब्वियसली हम क्या करते डायरेक्ट इसका यदि हम एरिया कंसीडर कर ले, इसका एरिया क्या होगा ए डैस मैं मान लूं, तो यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा ए डैस हो जाएगा. तो हम सिंपल लिख सकते हैं करंट डेंसिटी एट पॉइंट क्या होगा पी, तो हम लिख सकते हैं जे
इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई, हमने आई करंट, आई अपॉन क्या लिखेंगे, ए डैश। आई क्या है करंट, ए डैश क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब यदि मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखूं आई, तो देखो यहाँ क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो एरिया ये दिया हुआ है, तो एरिया कितना हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा। तो यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ध्यान दे सकते हो, तो यहाँ हम ऐसे भी शायद लिख सकते हैं कि I इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू जे ए क्या होगा, cos थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू, अब हम ऐसे कर लें, जनरल रिजल्ट लिख लें कि जनरल रिजल्ट मुझे लिखना है, तो यदि हम इसका एरिया dA मान लेते हैं, यार सबसे अच्छा है कि ए dA मान लेते हैं एरिया, तो यहाँ मैं लिख दूंगा dA, ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं dA, लिख देते हैं जनरल dA cos थीटा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा dI dI, यहाँ हम क्या लिखेंगे J और यहाँ लिखेंगे dI, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं इसको डिफरेंशियल एरिया, हमने मान लिया वो थोड़ा जनरल रिजल्ट लिखने के लिए, तो dI इक्वल टू हमने क्या लिखा J, ठीक है, J डॉट यहाँ क्या लिख सकते हैं dA भी लिख सकते हैं। तो यदि मुझे I लिखना होगा तो I इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन J डॉट क्या होगा d। तो कभी कभी यहाँ से भी हम करंट डिफाइन कर सकते हैं, तो यहाँ से करंट इक्वल टू क्या होगा, अब क्या करो इंटीग्रेट कर दो, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, करंट इज नथिंग बट द फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी, ठीक है। तो करंट इज ऑल्सो क्या है, कभी कभी भी पूछा जाता है कि करंट को हम क्या बोलते हैं, तो यहां से भी आप डिफाइन कर सकते हो कि करंट क्या होता है, इट इज नथिंग बट द फ्लक्स डेंसिटी। यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म दिया हुआ है देन इट्स ओके, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, क्या करेंगे यहाँ ए ले लेंगे, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम दो केसेस आसानी से लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या होगा, नोट में लिख सकते हैं, है ना, कि क्या होगा, करंट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी। आपको मालूम है ना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैसे लिखते थे, ई डॉट डी एस, उसके बाद में उसी तरह क्या होगा, यहाँ क्या लिखेंगे, यदि मुझे देखो तो जे डॉट डी ए क्या हो जाएगा, वेक्टर जे डॉट वेक्टर क्या होगा, डी ए इज नथिंग बट द फ्लक्स, अभी क्या होगा, वहाँ ई था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ जे है तो क्या होगा, करंट डेंसिटी फ्लक्स, तो यहाँ लिखे हैं करंट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी, क्या है, फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखो यहाँ से यदि हम आए, अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिख लेते हैं, अब देखना कि मैंने बताया था कि व्हेन एवर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द एनी कंडक्टर, क्या होगा, व्हेन एवर करंट इज फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर देन करंट ऑलवेज रिमेन सेम, ये पहले मैंने बताया था। तो अब आप यहाँ देखो कि यदि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द करंट क्या होगा, विल बी यूनिफॉर्म, देन करंट डेंसिटी विल ऑलवेज क्या होगा, रिमेन सेम। देखो यहाँ ध्यान से कि क्या होगा, इफ यहाँ लिख सकते हैं, इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज यूनिफॉर्म देन करंट डेंसिटी क्या होगा, देन करंट डेंसिटी क्या होगा, देन करंट डेंसिटी विल बी will be same at each end every point of the conductor, क्या होगा each end, ये बहुत समझना जरूरी है। देखो जेई में क्वेश्चन भी पूछा होगा, हम देखेंगे आगे, थोड़ा और पढ़ लें उसके बाद, तो इससे रिलेटेड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह से रिलेटेड ज्वाइंट करके, at each end every point क्या होगा, at each end every point of the conductor remains same,
जैसे देखो यहाँ ध्यान, यहाँ क्या है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्या है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो यदि इसके थ्रू कंडक्टर के थ्रू, ये कंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या दिया हुआ है, यूनिफॉर्म दिया हुआ है। तो देखो हर जगह कहीं भी आप कंसीडर करोगे, आई मीन ये पॉइंट वन मान लो, एक यहाँ पॉइंट कंसीडर कर लो, ये टू पॉइंट कंसीडर कर लो, ये थ्री पॉइंट कंसीडर कर लो, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ क्या होगा, जे इज इक्वल टू क्या होगा, आई अपॉन क्या होगा, ये इसको हम यदि आई मान लें, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मान लें, तो आई अपॉन ए, तो हम लिख सकते हैं इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है और करंट क्या है, सेम है, जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो तो हम करंट क्या है, सेम कंसीडर करते हैं। तो हम बोल सकते हैं यहाँ कि ए क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। और यहाँ लिख सकते हैं कि जे वन इक्वल टू जे टू इक्वल टू जे थ्री इक्वल टू आई अपॉन क्या हो जाएगा, यही मैं बताना चाह रहा था कि कंडक्टर हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया विल हैव कॉन्स्टेंट करंट डेंसिटी, आई मीन एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द कंडक्टर करंट डेंसिटी जो होगा वो क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि करंट डेंसिटी का जो डेफिनेशन है, एरिया करंट अपॉन क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी एट ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी इक्वल टू क्या होगा, करंट डिवाइडेड बाई एरिया, यही होता है ना। तो यहाँ क्या होगा, जे वन जे टू जे थ्री और इक्वल टू क्या होगा, आई अपॉन ए। यदि कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, सेम है, तो करंट डेंसिटी जो होगा ऑलवेज क्या होगा, सेम होगा। तो ये आपको ध्यान देना, यही हमने क्या माना है इसको, कंडक्टर। दूसरा पॉइंट यहाँ ये है कि यदि कंडक्टर हैविंग नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, तो दूसरा इसमें पॉइंट ये है, कीप द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज नॉट यूनिफॉर्म, आई मीन इफ एरिया ऑफ द कंडक्टर कंडक्टर इज नॉट यूनिफॉर्म, देन करंट डेंसिटी एट ईच एंड एवरी पॉइंट मस्ट बी क्या होगा, मस्ट बी सेम, मस्ट नॉट बी सेम, ये ध्यान देना है। देखो यहाँ क्या है, हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर कर लिया, देखो यहाँ अब करंट क्या है, फ्लो है इधर से इधर, है ना, हमने मान लिया यही क्या है, क्रॉस कंडक्टर हैविंग नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, कंडक्टर हैविंग नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, यहां से एक करंट फ्लो हो रहा है। अब मान लो कि हमने ये पॉइंट वन रखा, ए टू और ए थ्री, ठीक है, तो करंट डेंसिटी एट पॉइंट वन, अब देखो करंट सेम फ्लो हो रहा है, ऑब्वियसली सेम फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, तो यहां देखो करंट डेंसिटी आप डिफाइन करोगे तो जब भी क्या होगा, व्हेन एवर कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, तो हम बोल सकते हैं कि क्या होगा, जे इक्वल टू क्या होगा, आई अपॉन क्या होगा, ए, तो हम बोल सकते हैं कि जे इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, यदि आप इसका smaller
आगे के जे वन अपॉन जे टू इज इक्वल टू क्या होगा, जे टू, जे टू अपॉन क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि देखो यहां से देखो आई, हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट वन पॉइंट इज ग्रेटर देन क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट इक्वल टू हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट थ्री। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि G1 इज लेस देन, ठीक है, G2 इक्वल टू क्या होगा, G3, ठीक है। ग्रेटर द क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉलर विल बी द क्रॉस करंट डेंसिटी एट दैट पॉइंट एंड वाइस वर्सा। जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया, देखो यहाँ क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो यहाँ करंट डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ज्यादा है, तो करंट डेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको क्या करना है, हाँ यहाँ ये जरूर याद रखना है कि जब तक क्वेश्चन में नहीं पूछा दिया हुआ हो कि करंट का सिचुएशन क्या है, तो हम हमेशा क्या मानते हैं कि इन केस ऑफ स्टेडी स्टेट करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट विद इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड वाइस वर्सा, ठीक है। ये चीज आपको क्या करना है, माइंड में रखना है। तो यहाँ से आप ग्राफ भी ड्रॉ करोगे करंट डेंसिटी वर्सेस क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि अब देखो क्या है, यहाँ तो ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो जी, और यहाँ एरिया, इसका जो ग्राफ आएगा वो क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कुछ ऐसे होगा रफली, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, तो यहाँ जी वर्सेस ए ग्राफ, ठीक है। तो ये क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो करंट डेंसिटी से रिलेटेड बस इतना ही, यदि क्या होगा करंट डेंसिटी से रिलेटेड इतना ही पॉइंट है जो आगे भी हम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि करंट डेंसिटी खत्म हो गया, अभी और भी करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे। तो सिंपल याद रखना है, पहले क्या है करंट डेंसिटी एरिया, आई मीन क्या होगा करंट अपॉन क्या होगा एरिया होगा, उसके बाद डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा फ्लो ऑफ करंट, और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर, और सिंपल बोल सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज या मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पे करंट डेंसिटी और एरिया में क्या रिलेशन है वो हमने देखा कि व्हेन एवर द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर देन इन केस ऑफ ए स्टेडी स्टेट करंट जो होगा वो क्या होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है। स्टेडी स्टेट क्या होता है यहाँ हम देखेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे अभी। अब हम क्या पढ़ेंगे कि यदि कोई कंडक्टर है, अब आप बोलोगे करंट फ्लो कैसे होता है, वो चीज हम देखेंगे कि मैकेनिज्म क्या होता है इसमें। तो यही क्या है, कंडक्टर है, तो यहां मैं लिखता हूं क्या है ड्रिप वेलोसिटी। अभी जो पॉइंट पढ़ना है अपने को ड्रिप वेलोसिटी, यहां मैं लिखूंगा इसको क्या है वीडी, ड्रिप डी स्टैंड फॉर ड्रिप, वी स्टैंड फॉर वेलोसिटी। अब देखो दो चीजें होती है, आपको मालूम है कि किसी भी कंडक्टर में है ना, यदि हम कंडक्टर कंसीडर कर लें तो कंडक्टर में जो होता है लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड एट फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे रेंडमली, एट रेंडमली इफ वी हैव नॉट अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द कंडक्टर then what will happen, electrons, free electrons inside the conductor move randomly with RMS speed that is called thermal speed, क्या है thermal speed से क्या होते हैं move करते हैं random move करते हैं। तो random का मतलब क्या हुआ कि देखो यहाँ मैं दो cases यहाँ आपको दिखा रहा हूँ कि क्या है कोई ये कंडक्टर दिया हुआ है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। यहां देखो हमने क्या किया है, इवन बैटरी हमने नहीं कनेक्ट किया है, दिखा दे रहा हूं लेकिन बैटरी हमने यहां नहीं कनेक्ट किया, ठीक है, ये भी है।
I mean there is no external electric field. कोई भी हमने बैटरी नहीं कनेक्ट किया, I mean field establish नहीं होगा. तो यहाँ क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, देखो एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, एक इधर मूव करेगा, दूसरा इधर मूव करेगा. ऑन एवरेज क्या होगा, ऐसे आप सोच सकते हो, है ना. रेंडमली का मतलब क्या हुआ, हियर एंड डियर क्या है, वो मूव कर रहा है. ठीक है, ये क्या है, देयर इज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, आई मीन देयर इज नो बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, एंड ऑफ द कंडक्टर. तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या है, रेंडमली क्या होते हैं, मूव करते हैं. आई मीन वेन एवर वी हैव नॉट कनेक्टेड एनी एक्सटर्नल पावर सप्लाई टू द एंड ऑफ द कंडक्टर, देन इलेक्ट्रॉन्स इन साइड द कंडक्टर मूव फ्रीली इन रेंडम वे इन साइड द कंडक्टर. तो क्या होगा, यहां क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं इफ देयर इज नो, इफ या लिखेंगे व्हेन, व्हेन नो एक्सटर्नल पावर सप्लाई इज कनेक्टेड across the end of the conductor, end of the conductor, then free electrons inside the conductor moves randomly with RMS speed, root mean square speed जो हम जानते हैं, that is क्या होगा V RMS, इसी speed से क्या होगा randomly, तो नेट एवरेज वेलोसिटी जो इनिशियल एवरेज वेलोसिटी होगा वी आर एम एस, आपको मालूम है कितना होता है, 3 kT बाई क्या होता है, एम होता है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. जब आप एट रूम टेम्परेचर जब कैलकुलेट करोगे तो नियरली जो होता है वो क्या होता है, 10^5 मीटर पर सेकेंड एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, वो करते हैं. तो क्या होगा इस केस में, वी एवरेज I mean average velocity of all electrons क्या होता है, V average क्या होगा, जीरो हो जाता है. तो जब V average जीरो हो जाएगा तो करंट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि E will be also क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड will be जीरो, I will be जीरो, J will be also क्या होगा, जीरो. और एवरेज ये कब की बात है, जब हमने क्या किया है, बैटरी आई मीन जिगजाग मोशन होता है ना, तो क्या है जब हम बैटरी कनेक्ट नहीं किए हुए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स है, आप इलेक्ट्रॉन्स हमने लिख दिया है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, लेकिन जैसे ही क्या होगा कि आप बैटरी कनेक्ट करोगे, तो स्टेडी स्टेट का मतलब क्या हुआ कि बैटरी जब आप कनेक्ट करोगे तो ऐसे नहीं है कि क्या होगा, बैटरी जब कनेक्ट करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग. जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करोगे तो यहाँ क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ, इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर. आई मीन जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होंगे, ड्रिफ्ट होने, क्योंकि उस पर क्या होगा, एक फोर्स लगेगा और वो जो फोर्स होगा वो कंपेल करेगा इलेक्ट्रॉन को कि नहीं यार तुमको ऐसे नहीं जाना है, आपको इधर मूव करना है. तो उसके वजह से क्या होगा कि रेंडमनेस जो होगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाता है. जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो रेंडमनेस जो होता है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है. एंड ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग विथ एवरेज वेलोसिटी, दैट एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं. तो ये आपको समझ में आया कि इस सिचुएशन में क्या होगा कि एट रूम टेम्परेचर क्या होगा, देखो कितना होता है, वी आर एम एस जो होता है 10^5 मीटर पर सेकेंड होता है. देखो कितना ज़्यादा स्पीड होता है, आप लाइट के स्पीड से कंपेयर करोगे तो देख सकते हो. दूसरा केस यहां आप लिख सकते हो कि दूसरा केस हम देखेंगे कि हम इसी में क्या कर रहे हैं, जब हम क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे
तो क्या होगा, इसको भी हम देख लेते हैं, है ना। कि अब यहां हमने क्या किया कि एक कंडक्टर है अब हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक कंडक्टर का लेंथ क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने क्या मान लिया है, यूनिफॉर्म नहीं भी हो तभी भी चलेगा, देखेंगे बाद में, है ना। यहां क्या होगा जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स आप, अब देखो क्या होगा, जैसे ही आप बैटरी से कनेक्ट कर दोगे तो यहाँ क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, इधर होगा, दिस इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे क्या होगा, फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा। आप देखोगे कि यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, आई मीन क्या हो जाएगा, इधर इधर पॉजिटिव प्लेट है तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ऐसा, और इधर हम क्या मानेंगे, नेगेटिव चार्ज ऐसा मान लेते हैं। बेसिकली चार्ज का एक्युमुलेशन नहीं होता है, मैंने बताया था कि नेट चार्ज अभी भी कंडक्टर क्या है, न्यूट्रल है। तो जैसे ही आप बैटरी से कनेक्ट करते हो तो कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, और उसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होंगे, इस अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, ड्रिफ्ट करने लगते हैं, स्टार्ट ड्रिफ्टिंग। क्या होगा, इस डायरेक्शन में क्या होंगे, मूव करने लगेंगे। क्यों, मैं बताता हूं कि क्यों, आप भी जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े हैं, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जब इस डायरेक्शन में क्या होंगे, इधर से मूव करेंगे, ये क्या है, तो ऑब्वियसली मैंने बताया था कि करंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, जस्ट फ्लो ऑफ क्या होगा, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, करंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, या मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, व्हाइल करंट ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यही क्या होगा, करंट क्या हो जाएगा, एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो अब क्या होता है, देखो ध्यान से, कि व्हेन क्या है, यहां लिख लेना है कि व्हेन वी कनेक्ट क्या होगा, व्हेन वी कनेक्ट एक्सटर्नल पावर सप्लाई across the ends of the conductor, then a uniform electric field exist inside the conductor, and because of this electric field free electrons start drifting in the opposite to the electric field. अब देखो क्या है, आपको ये मालूम है कि ऐसा क्यों होगा, देखो क्या होगा, Fe जो होता है, फोर्स जो होता है वो क्या होता है, Q इनटू क्या होगा, E होगा। मैंने बताया था कि जब क्या होगा, चार्ज पॉजिटिव होगा तो फोर्स जो होगा वो फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, और जब निगेटिव होगा तो किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ F आप देखोगे
तो एफ इज इक्वल टू क्या होगा माइनस ई, इसके वजह से क्या होगा वो अपोजिट डायरेक्शन मूव कर लेगा। तो जैसे ही मूव करेगा तो क्या होगा स्टार्ट ड्रिफ्ट, क्या होगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस आफ्टर सम टाइम्स क्या होगा आप उसी को हम क्या बोलते हैं। अब जैसे ही क्या होगा देखो क्या होगा ड्यू टू थर्मल मोशन, क्या होगा ड्यू टू टेम्परेचर थर्मल मोशन इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर मूविंग विथ आरएमएस स्पीड, और जब हम क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो उसके बाद क्या होगा ऑफकोर्स उस पर फोर्स लगेगा और वो क्या होगा उनका जो रेंडमनेस है वो क्या होगा खत्म होने लगेगा। ठीक है, अब एक ऐसा सिचुएशन आता है कि आफ्टर दैट आफ्टर समटाइम्स क्या होगा कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग विथ एवरेज वेलोसिटी, सच एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कुछ टाइम के बाद जो है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे एक एवरेज वेलोसिटी से मूव करने लगते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सच एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड क्या होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ऐसे नहीं होता है कि जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्या होगा मूव करना शुरू कर दिया, कुछ टाइम लगता है। मैं आपको बताऊंगा ऐसे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है वो आई मीन वेलोसिटी एज सून एज वी अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर या एज सून एज इलेक्ट्रिक फील्ड एक्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस इट्स वेलोसिटी ग्रेजुअली स्टार्ट इंक्रीजिंग नॉन लिनियरली, लिनियरली नहीं, और कुछ टाइम के बाद व्हेन एवर देयर इज ए स्टेडी स्टेट इन दैट सिचुएशंस व्हाट विल हैपन द इलेक्ट्रॉन ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग विद एवरेज वेलोसिटी सच एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो एक्सपोनेंशियली जो होता है वेलोसिटी क्या होता है इंक्रीज करता है और एवरेज स्पीड आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हो स्टेडी स्टेट की बात करें तो नैनो सेकंड लगता है, वन नैनो सेकंड के बाद क्या होता है स्टेडी स्टेट क्या होता है स्टेब्लिश हो जाता है और उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एवरेज वेलोसिटी से क्या करते हैं मूव करने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा स्टार्ट, तो ये क्या होगा स्टार्ट ड्रिफ्टिंग इन द अपोजिट टू द क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आफ्टर सम टाइम्स एंड आफ्टर some time they move with same average velocity this velocity is called drift velocity। तो दिस वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, क्या होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसी को हम क्या है बोलते हैं। तो यहां हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन लिख सकते हो फिर मैथमेटिकल भी हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो हाँ ये क्या होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, एंड यहाँ एक पॉइंट और लिखना है कि क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स विल, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सर आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई आई मीन कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन पर मूव करता है क्या या कर्व पाथ पर मूव करता है। तो हमेशा याद रखना है कर्व पाथ पर क्या होता है इलेक्ट्रॉन मूव करता है ड्रिफ्ट दिस ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन इनसाइड। तो क्या होगा यहाँ लिख सकते हैं क्या होगा कि आफ्टर या नोट में बाद में हम लिख लेंगे या नोट में लिख सकते हैं यहाँ क्या लिख सकते हैं नोट में यहाँ लिख सकते हैं कि आफ्टर कनेक्टिंग कंडक्टर विथ इम्पोर्टेंट विथ एक्सटर्नल पावर सप्लाई। अब बोलो कैसे तो उसको भी हम प्रूव कर सकते हैं आफ्टर कनेक्टिंग कंडक्टर विथ एक्सटर्नल पावर सप्लाई द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर मूव्स ऑन
पर बात ये बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ लिख लेना पैराबोलिक। अब ये बोलो कि सर कैसे, तो आप आसानी से लिख भी सकते हैं, इसको प्रूव भी कर सकते हो। अभी मैं बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे होता है, ठीक है। तो ड्रिप वेलोसिटी आपको समझ में आया कि आफ्टर कनेक्टिंग द कंडक्टर विथ एक्सटर्नल पावर सप्लाई, ऑल इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर मूव विथ एवरेज वेलोसिटी, सच एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिप वेलोसिटी। यहाँ हम लिख लेंगे ड्रिप्ट वेलोसिटी। तो आफ्टर कनेक्टिंग कंडक्टर विथ बैटरी ऑल electrons moves with average velocity, all electrons inside the conductor move with average velocity. Average velocity such average velocity, such average velocity average velocity is called drift velocity. ठीक है, तो जब भी क्या होगा, बैटरी हम कनेक्ट कर देंगे तो उसके बाद जो कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ये कब है, एसटीडी स्टेट, मैंने बताया था, यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन याद रखना ऐसे नहीं है कि जैसे ही हम क्या किए बैटरी कनेक्ट कर दी है और उसके बाद एसटीडी स्टेट हो जाता है, नहीं, नैनो सेकेंड लगता है, कुछ टाइम लगता है, उसके बाद क्या होता है एसटीडी स्टेट एस्टेब्लिश हो जाता है। और उसके बाद उसी समय, उसके बाद जब हम कंसिडर करते हैं कि करंट क्या होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करोगे तो कुछ टाइम लगता है, नैनो सेकंड लगेगा, उसके बाद क्या होता है कांस्टेंट करंट क्या होता है फ्लो होता है, तो ये चीज आपको ध्यान में। अब ड्रिप्ट वेलोसिटी आप ये पूछ सकते हो कि कौन कौन सा फैक्टर है जो ड्रिप्ट वेलोसिटी को अफेक्ट करता है, आई मीन ड्रिप्ट वेलोसिटी जो है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो उसको भी हम देखेंगे। अब देखो क्या है, जस्ट बिफोर कनेक्टिंग द बैटरी हम इसका डेरिवेशन दें, आई मीन हम बोल दें कि टी इक्वल टू जीरो पे जब हमने एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट किया तो जस्ट आई मीन टी इक्वल टू जीरो हम लिख सकते हैं, एट टी इक्वल टू जीरो क्या होगा, हाँ इसके पहले हम क्या पढ़ेंगे कोलिजन मीन टाइम है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है, फिर हम आते हैं इसको कैलकुलेट भी करेंगे। तो कोलिजन मीन टाइम क्या होता है ये भी आप देख लो, तो यहाँ हम पढ़ लेते हैं क्या पढ़ते हैं कोलिजन मीन टाइम, और इसी को क्या बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इसको हम टाउ से क्या करते हैं डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, तो आपको इसको डिफाइन करने के लिए देखो क्या होगा, तो इसको टाइम टेकन क्या सिंपल क्या होगा, टाइम टेकन फॉर टू सक्सेसिव या टाइम टेकन बाय द कोलिजन है ना, या टाइम टेकन फॉर टू सक्सेसिव collision of electrons, two successive collision of electrons या electron is called collision, ये हम लोगों ने पढ़ा है collision mean time, ठीक है। और इसको हम क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, आई मीन जब क्या होगा, देखो कोलिजन जो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक जगह से जैसे ही मूव करना शुरू करेगा तो यहाँ कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आयन भी होते हैं, क्या होते हैं आयन्स भी होते हैं, तो जब कोलिजन क्या होगा, जैसे ही क्या होगा आयन्स जो हैं वो अपने मेन पोजिशन के अबाउट क्या होते हैं वाइब्रेट होते रहते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा स्पीड गेन करेगा स्पीडअप होगा तो क्या होगा आयन से जाकर के क्या हो जाएगा टकरा जाएगा, तो यहाँ मान लो कि एक आयन है और फिर एक दूसरा यहाँ आयन है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कुछ स्पीड गेन
मूव करना शुरू किया, यहाँ आया, स्पीड गेन किया, मैक्सिमम स्पीड गेन किया, और उसके बाद क्या हुआ, फिर वो कोलाइड होगा, फिर एनर्जी क्या होगा, लॉस कर देगा, पहले वाला मेमोरी वो लॉस हो जाता है, वो कहाँ से आया, क्या था, उसका पास्ट खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, वो मूव करना शुरू कर देता है। तो टाइम टेकन फॉर टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड कोलिजन मीन टाइम, या इसी को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, एंड इट इज डिनोटेड बाय टाउ। अब एक चीज यहाँ याद रखना है, ये पूछा भी इस बार भी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप यहाँ देख सकते हो कि कोलिजन मीन टाइम जो होता है, मीन टाउ जो होता है, मैंने ये शायद आई थिंक यहाँ भी बताया था कि टाउ इक्वल टू क्या होता है, मीन फ्री पाथ अपॉन क्या होगा, मीन फ्री पाथ आई मीन टाइम इक्वल टू क्या होगा आपका, कोलिजन मीन टाइम, टाउ इक्वल टू क्या होगा, मीन फ्री पाथ, ये सब मैं पढ़ा हूँ अभी नहीं बता रहा हूँ, मीन फ्री पाथ अपॉन क्या होगा, वी आर एम एस, और इसको जब आप लिखोगे तो इसको लैम्डा अपॉन क्या लिखते हैं, वी आर एम एस। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, टाउ इंटू वी आर एम एस। इससे भी कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये क्या हुआ, मीन फ्री पाथ, ये मैं जब थर्म क्या है आई मीन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस शायद पढ़ा रहा था, तो वहाँ ये मैंने ये टर्म बताया था। तो ये क्या होता है, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, दिस इज कोलिजन मीन टाइम, और दिस इज नथिंग बट द आरएमएस स्पीड। ठीक है, अब आपको ही मालूम है कि यहां से, अब मैं यहां यदि कोलिजन मीन टाइम का ये लिख दूं, तो मैंने बताया था कि क्या होता है, वी इज इक्वल टू रूट टू पाई डी स्क्वायर एन इंटू पी होता है, शायद ऐसे आता है, एक बार देख लेना आप लोग, ऐसे ही आता है, रूट टू पाई डी स्क्वायर एन इंटू क्या होता है, पी, वी क्या है वॉल्यूम, पी क्या है प्रेशर, है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो यहाँ से वी अपॉन क्या होगा पी, आई मीन वी अपॉन पी, यहाँ से हम बोल सकते हैं या हम क्या होगा, या यहाँ से भी देख सकते हो कि टाइम जो होगा वी इज क्या होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आरएमएस स्पीड, और टाउ जो होगा, क्योंकि ऑन एवरेज लैम्डा जो होता है वो क्या होता है कांस्टेंट होता है, तो वी टाउ जो होगा क्या होगा, वी आरएमएस के क्या होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यहाँ से भी आप देख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, तो वी अपॉन वी क्या है वॉल्यूम, रूट टू पाई डी, डी क्या होता है इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द कोलिजन, अब यहाँ मैं वो पूरे डिटेल में नहीं बताऊंगा, यहाँ से केवल आपको याद रखना है कि क्या होगा कोलिजन मीन टाइम जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा टेम्परेचर होगा। ऑब्वियसली देखो क्या होगा, कुछ रटने की बात नहीं है, वी आर एम एस क्या होगा, जैसे ही एज सून एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर आर एम एस स्पीड विल क्या होगा इंक्रीजेस, एंड क्या होगा जैसे ही क्या होगा आर एम एस स्पीड क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, तो जो आयंस हैं वो क्या होंगे अपने मीन पोजिशन के अबाउट ग्रेटर एम्पलीट्यूड पे क्या होंगे वाइब्रेट होंगे। तो जब ग्रेटर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होने लगेंगे, तो पहले जो स्पेस था टू सक्सेस आई मीन पाथ लेंथ जो होगा उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, हम ऐसे बोल सकते हैं कि टू कोलिजन सक्सेसिव कोलिजन के बीच जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो पहले मान लो कि जो डिस्टेंस, या ऐसे आप यदि कांस्टेंट मान लेते हो कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि पहले जितना सेम डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम लग रहा था अब उससे क्या होगा कम लगेगा। तो एज सुन एज या क्या होगा एज वी इंक्रीज द, यही रिलेशन पूछा गया था इस बार, तो क्या होगा जैसे ही हम क्या करेंगे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोलिजन मीन टाइम क्या होगा कम होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यदि ये आपको आता है तो कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोबिलिटी सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि कोलिजन मीन टाइम, देखो ये याद रखने की जरूरत नहीं है लेकिन ये याद रखना ठीक है, या ये याद रखना। तो हम बोल सकते हैं यहाँ कि एज वी इंक्रीज द क्या होगा टेम्परेचर, देखो ध्यान से आई मीन टी क्या होगा टी इंक्रीजेस क्या होगा वी आर एम एस ऑल्सो क्या होगा इंक्रीजेस, और कोलिजन मीन टाइम क्या होगा डिक्रीजेस। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको माइंड में रखना चाहिए। तो आपसे कभी कभी ये पूछा भी जा सकता है कि रूट टी आई मीन मैं आपसे बोलूं कि इसका एक ग्राफ बताओ, तो यहाँ ये भी आप ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो कि यदि टाउ वर्सेस क्या है वन अपॉन रूट टी
पूछा जाए, अगर आप दिया हुआ तो आप बोल सकते हो कि ऐसे होगा, ठीक है? क्या बोल सकते हो कि ग्राफ क्या होगा, एक कोलिजन मीन टाइम वर्सेस क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है? ये चीज आपको ध्यान में। अब हम आते हैं कि एवरेज वेलोसिटी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे हम लिखेंगे उसको हम देखते हैं। तो क्या होगा, हम लिख सकते हैं कि एट टी इक्वल टू जीरो भी एवरेज क्या है, जीरो है, और एट टी इक्वल टू टाउ भी जो है क्या है, भी एवरेज जो है क्या हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। अब देखो क्या होगा कि हमने अभी मैंने बताया था कि ए इज इक्वल टू क्या होगा, ई अपॉन क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, यही होगा ना। अब यहाँ यदि मैं लिखूँ वेक्टर फॉर्म में हम इक्वेशन, तो मैं लिख सकता हूँ वी डी इज इक्वल टू क्या होगा, यू एवरेज प्लस क्या होगा, ए इंटू क्या होगा, टाउ। तो वी डी इज इक्वल टू क्या होगा, ए तो जीरो हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं माइनस ई ई अपॉन क्या हो जाएगा, माइनस ई टाउ अपॉन एम इंटू ए। तो यहाँ देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अपोजिट टू द क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस यदि आप लिखोगे तो वी डी इज इक्वल टू क्या होगा, ई टाउ अपॉन क्या होगा, एम इंटू क्या होगा, ठीक है, क्या हो जाए, ई टाउ अपॉन। इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मोबिलिटी, इसका एक टर्म नाम होता है। तो वी डी इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू इंटू क्या होगा, दिस इज कॉल्ड मोबिलिटी। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये भी पूछा जाता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? तो देयर इज ए रिलेशन अमंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी एंड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट एग्जिस्ट इनसाइड द क्या होगा, कंडक्टर। और एक चीज आपको ये भी याद रखना है कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई इज इक्वल टू क्या होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो हम लिख सकते हैं वी इंटू लेंथ ऑफ द क्या होगा, ये भी याद रखना है, ठीक है? क्या है ई, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, बी क्या है ईएमएफ ऑफ द बैटरी, एल क्या है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्या है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो ये भी चीज क्या है आपको माइंड में रखना है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो भी क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा आप देख सकते हो, है ना? तो वी डी इक्वल टू क्या होगा, देखो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपको माइंड में रखना है। तो अब हम यहां से बोल सकते हैं कि क्या होगा, मोबिलिटी मोबिलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, मोबिलिटी इज इक्वल टू मैं लिख देता हूं क्या होगा, ई टाउ अपॉन क्या होगा, एम, क्या होगा ई टाउ अपॉन क्या हो जाएगा, एम, यही होगा ना। देखो यहां से, तो यहां से क्या हो जाएगा, हम बोल सकते हैं कि क्या होगा, देखो ध्यान से, एस क्या होगा, एस टी इंक्रीजेस, है ना, क्या होगा टी इंक्रीजेस, कोलिजन मीन टाइम क्या होगा डिक्रीजेस, है ना, और मोबिलिटी भी इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा डिक्रीज करेगा। सही लिखा ना यार, क्या होगा मोबिलिटी भी इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा डिक्रीज होगा। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर क्या होगा डिक्रीजेस, एंड क्या होगा वाइस वर्सा। तो हम लिख सकते हैं एज टेम्परेचर इंक्रीजेस मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। ये आप खुद से भी सोच सकते हो कि मोबिलिटी क्या है, तो जस्ट मैथमेटिकल रिलेशन है, लेकिन आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मोबिलिटी जो होगा वो किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्टर के अंदर डिक्रीज कैसे होगा, क्योंकि कोलिजन ज़्यादा होने लगेगा, तो इसलिए क्या होगा ऑब्स्ट्रक्शन जो होगा वो ज़्यादा क्रिएट होगा और मोबिलिटी जो होगा वो क्या होगा कम होगा। तो ये
इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो ड्रिप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वीडी इक्वल ई टाउ अपॉन एम इंटू क्या होगा यू। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हर बुक में नहीं दिया हुआ है लेकिन आपको इस चीज़ मालूम रखना है, कभी कभी पूछा जा सकता है कि मैंने ये बताया था कि देखो ये क्या है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ क्या है टाइम। जस्ट आप ये लिख लेना है ना कि क्या है वेलोसिटी, आई मीन मैं लिख सकते हैं वेलोसिटी वी और इधर टाइम। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, आई मीन एक्सटर्नल पावर सप्लाई कनेक्ट करते हो, तो जो वेलोसिटी है वो पहले एक्सपोनेंशियली क्या होगा इंक्रीज करता है। ये चीज ध्यान देना है। ठीक है, इसका जो रिलेशन होगा आई मीन वी इज इक्वल टू क्या होगा वी डी इन टू वन माइनस ई के पावर माइनस टी अपॉन क्या होता है टा डी। ठीक है, और यही ग्राफ होता है। तो नॉन लिनियरली क्या होगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस क्या होगा नॉन लिनियरली इनसाइड द क्या होगा कंडक्टर टिल स्टेडी स्टेट। तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली एक्सपोनेंशियली विथ टाइम एट द सेम टेम्परेचर, क्योंकि एक्सपोनेंशियली विथ क्या होगा टाइम। ये चीज ध्यान देना है। तो यहाँ ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं जीरो कॉमा क्या होगा वी डी वी डी। ठीक है, इसके बाद हम इसके नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी सभी में रिजल्ट क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।